She was on bed rest, or you know, she was out of flying for 6 months at least.
क्यों? Because this one was not getting cured. It was infection. It was some kind of bacteria which got into his saliva plus blood plus body and was not getting cured. So that is why the protection is very very mandatory. ठीक है, सो इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग टेक अ टिश्यू पेपर छोटा सा होल करके सो दैट एटलीस्ट उसके मुंह के ऊपर एक छोटा सा स्पेस बन जाए सो दैट द एयर कैन गो इनसाइड और यू कैन यूज अ स्कार्फ यू कैन यूज एनीथिंग एनी पीस ऑफ क्लॉथ ठीक है सो दैट यू कैन जस्ट एटलीस्ट पास आउट योर एयर टू हिम बट यू डू नॉट गेट द इन्फेक्शन फ्रॉम दिस लाइफ ओके सो हाउ ओके नाउ बेसिकली आई डू नॉट मेंशन व्हेन यू हैव टू गिव when you have to give the breath, okay, you have to make sure you have to pinch the soft part. Okay, open the mouth. Okay, you have to make sure that the mouth is fully open. क्यों? क्योंकि जब आप उसको sorry हम मैं सच्ची सांस नहीं आ रही उसको sorry sorry so when you give him the breath, तो अगर इसका mouth थोड़ा खुला हुआ है तो वो एयर अच्छे से अंदर नहीं जाएगी सो यू हैव टू लिटरली अगर वो ऑब्वियसली ही विल बी फेंटिंग ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर हिज बॉडी यू लिटरली हैव टू ओपन हिज माउथ ठीक है पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज सो दैट अगर आप उसको ब्रीदिंग दोगे नहीं लेते नहीं पकड़ ठीक है सो अगर आप उसको ब्रीदिंग दोगे तो इट शुड नॉट एस्केप फ्रॉम द ईयर नोज सॉरी ठीक है सो पिंच द नोज ठीक है मेक श्योर दैट योर माउथ हैज टू बी सीलिंग हिज माउथ Okay, so once you seal the mouth, then with the force you give the breath. Okay? झटका बाद में अगर पांच साइकिल के बाद तुम नहीं ठीक हुए फिर झटका ज्यादा ही बढ़ेगी होगा